भारत में पले बड़े होने के नाते अतिथि देवो भव वाक्यांश हमेशा से हमारे लिए एक विशेष अर्थ रखता है। हमारे देश में कहावत हमेशा से ही प्रचलित भी है। इस संस्कृत वाक्यांश का अनुवाद है, अतिथि हमारा भगवान है और ये मेहमानों के साथ अत्यंत सम्मान और आतिथ्य के साथ व्यवहार करने के महत्व पर जोर देता है। भारत में आतिथ्य को एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है और मेहमानों के साथ उसी श्रद्धा और देखभाल के साथ व्यवहार किया जाता है जैसे कि कोई देवता के साथ करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने संस्कृत वाक्यांश की धज्जियां उड़ाकर रख दी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में विदेशी महिला को नकली ज्वेलरी बेचकर 6 करोड़ रुपए ठगने का मामला सामने आया है। ज्वेलर बाप बेटे ने चांदी की चेन पर सोने की पॉलिश और 300 रुपए वाले मोजोनाइट स्टोन को लाखों रुपए का हीरा बताकर फर्जी सर्टिफिकेट भी दिया। पुलिस ने फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फरार ज्वेलर बाप बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करवाया है। इस विदेशी महिला का नाम चेरिश बताया जा रहा है। हाल ही में हुई इस घटना ने जयपुर के पूरे सराफा बाजार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो आइए आपको सुनाते हैं विदेशी महिला ने क्या कुछ कहा और साथ ही इस मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है। मेरे पास यूएस एक लेडी है जिन्होंने हमें एक रिपोर्ट दी कि वो पिछले 2 साल से जोरी बाजार के अंदर 2 व्यवसायी है जिनके अंदर वो व्यापार कर रही थी जिनके साथ, और जब उसने सारा 2 साल हो गए उसके बाद में एक उसने एग्जीबिशन लगाई और एग्जीबिशन यूएस के अंदर एग्जीबिशन लगी और उसमें अपने कुछ आइटम जब उसने चेक करवाए तो उनके अंदर काफ़ी गड़बड़ी मिली और उसकी गड़बड़ियों को दूर करवाने के लिए जब यहाँ पे जोहरी बाजार में जहाँ व्यवसाय का कारोबार था वहाँ पे आई तो वहाँ जब उससे उसके साथ बातचीत की उसमें जो कमियाँ थी उनसे दूर करवाने की कोशिश की तो वो उल्टे उनको ही परेशान करने लगे और जो जैसे उनके जो डायमंड होने चाहिए थे उनके अंदर मोसेनाइट पत्थर था वो निकला, जो गोल्ड की मात्रा 14 कैरेट होनी चाहिए थी उसकी जगह वो 9 कैरेट निकला। तो इस बात का उनके काफ़ी जिद बहस हुई और उस जिद बहस होने के बाद वो ये कह के कि मैं थाने में रिपोर्ट करूँगी जाने लगी तो वो उन लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की। उस चीज़ का उन्होंने वीडियो उनके कैमरे लगे हुए थे उसको आधार बनाते हुए थाने के अंदर ये लेके गए कि साहब ये हमारे साथ हमारे गहने लेके भाग रही थी। तो जब ये बात वहाँ पे थाने में पहुँची और थाने पे गए और चेक किया गया तो ऐसा नहीं था। फिर उस लेडी ने भी यूएस एम्बेसी थी उसमें कंप्लेंट की और कंप्लेंट के बाद में चूँकि वहाँ माणचौक थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था और हमारे CP साहब और DCP साहब के आदेशानुसार इसका अनुसंधान मुझे दिया गया था। शुरू में दोनों आपस में उनकी बातचीत हो रही थी कि वो उनके जो पैसे लौटाने को तैयार थे और लगभग 6 करोड़ रुपए का पिछले 2 साल में उसके साथ व्यवसाय किया था, लेकिन अंत में वो बाप बेटे उनको पैसे नहीं दे के और फरार हो गए। और उसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली एक तो थी जो उनको हॉलमार्क के सर्टिफिकेट बना के देते थे उनको जब हमने जाँच करवाया तो वो फर्जी निकले। ये उस आदमी से सर्टिफिकेट तैयार किए गए जिसके पास जो सर्टिफिकेट देता था उसको न तो सोने को नापने का कोई यंत्र था और न ही डायमंड को चेक करने का यंत्र था। इसके अलावा उसके जो उसने वो सर्टिफिकेट ले रखा था उसको बनाने का वो भी फर्जी था, उसके पास कोई यंत्र नहीं थे। तो उस आधार पर फिर हमने वो जो व्यवसाय जो सर्टिफिकेट बनाता था नंद किशोर उसको हमने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो दोनों व्यवसायी हैं वो फरार है तो हमने जो गौरव सोनी है जो इनका प्रोप्राइटर उसका हमने लुकआउट नोटिस जारी करवाया है। दूसरा राजेंद्र सोनी जो उनके पिताजी हैं उनके सहयोग करते हैं बिजनेस में उनका भी हम लुकआउट नोटिस जारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमें जानकारी मिली है कि इसने जो इस तरह का पैसा कमाया गया है उससे एक इन्होंने 3.5 करोड़ का एक फ्लैट भी अग्रवाल जो सर्किल है अग्रसेन सर्किल है उसके पास में अक्षत दुर्लभ के नाम से एक बिल्डिंग बन रही है उसके अंदर भी उन्होंने बुक करवाया, उसकी हमने जानकारी ले ली है। उसको भी हमने जो उसका प्रोप्राइटर है उसको लिख के दिया है कि हमारे से पूछे वगैरह इसको आगे से कोई कार्रवाई हो तो जानकारी भी दूंगी। उनकी जो वाइफ जिनके नाम से फ्लैट लिया है वो भी जब से ये घटना हुई उसके बाद में जब उसको चेक किया तो वो भी अपने घर से ताला लगा के फरार है। हम आगे इन दोनों मुजरिमों को ढूंढने के लिए हमने टीमें लगा रखी है, जल्दी उनको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करें। गौरव सनी एंड हिज फादर विद रामा एक्सपोर्ट्स आउट ऑफ जयपुर
have been systematically cheating me in jewelry. They have been shipping me 9-carat and gold plate instead of 14-carat. They have been shipping me entirely moissanite instead of natural diamonds. It's not just me, it's about 10 other designers that are impacted by him and his fraud. He has been systematic in how he has done the fraud. He has included fake certificates and other people to lie on top of his lies. It has been incredibly damaging to my business. I have spent over $495,000 with him, all of which are in question. He has damaged my reputation as a designer. Other designers are also just, we don't even know what who to contact. Some of our customers have bought pieces and they're out there and they're fake. So we need to recall all of the jewelry. Bajrang Singh, with the additional DCP, has been pivotal in helping bring Gaurav to the table and basically tell him and make him face his crimes. And Gaurav actually admitted to what he has done and admitted to the fact that he was going to repay me. He was given 2 days to do a wire and he completely fled.